बेगूसराय से एक बड़ी खबर। शराब माफियाओं के द्वारा 5 व्यक्तियों को जान से मारने की नीयत से पत्थर ईंटों से कुचलकर किया जख्मी, तो 2 की हालत नाजुक। मामला बेगूसराय जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मैदा भवनगामा वार्ड नंबर 8 का है, जहां शराब माफियाओं के द्वारा एक ही परिवार के 3 व्यक्ति घायल तथा 2 रिश्तेदार को पांव मारकर तोड़ दिया गया, जो कि बेगूसराय सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। आनंदी महतो रामचंद्र शर्मा, अर्जुन महतो, रामफल शर्मा, संजू देवी, इन सभी को मारकर घायल कर दिया गया है। सुशासन बाबू की सरकार में शराब माफियाओं का कहर, बेगूसराय में पुलिस के लिए खुली चुनौती देखी जा रही है। एक तरफ अब SP अवकाश कुमार शराब माफियाओं के खिलाफ बेगूसराय में एक्शन लिए हैं, तो दूसरी ओर शराब माफियाओं के द्वारा बेगूसराय में मामले से विवाद को लेकर जान से मारने की नीयत से 5 व्यक्ति को घायल किया जा रहा है, जिसमें से नरेश शर्मा पूर्व से ही अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो कि मर्डर केस में जेल भी जा चुके हैं। गाय धोने के क्रम में महिलाओं से हुई अनबन, बात बिगड़ती हुई लाठी डंडों पर तथा पत्थर से मारपीट पर बात आ गई, जिस कारण 5 व्यक्ति को नरेश शर्मा तथा उनके चंगुल में जितने व्यक्ति हैं उन लोगों के द्वारा जान से मारने की नीयत आनंदी मातो के परिवार तथा परिजनों को लाठी डंडे से प्रहार कर घायल किया गया। आनन फानन में परिजनों के द्वारा बेगूसराय सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। क्या घटना घटी थी आपके साथ? पहले मनवरू था, जबरदस्ती मान लीजिए जो कहेंगे हम वो ये सब सुनेगा। कितने बजे की घटना है? 7:15 आई लगभग। क्या नाम है आपका? अर्जुन मस्त। घर? मैदा भवनगाम। वार्ड नंबर? 8। हम लोग गाय दौड़ रहे थे, अब एकाएक हल्ला हुआ, हम लोग दौड़े, दौड़ने के बाद इन लोगों को देखे घायल पकड़े, उसके बाद हम पर भी बरस गया। वही सवाल है, चटपाँच वह मनबरू है। क्या क्या नाम है? वो नरेश, नकुल और क्या गुण है उतना मान लीजिए चंदन है, उसका सब भाइये है। किस बात को लेकर के? नाम बताया? क्या नाम बताया अभी? सुजीत। किस बात को लेकर के आपके साथ मारपीट किया गया और किस चीज से मारपीट किया है? लाठी से, ईटा से, वहाँ उधर से चला रहा था। कितने की संख्या में लोग मारपीट कर रहे थे आपके साथ उस टाइम में? मान लीजिए ना घटी है आप लोग कितना आदमी घायल है? 7-8 आदमी घायल है, टूट गए। मार के पांव तोड़ दिया? हाँ, मारे ही तो। जिसका पांव टूटा उसका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? संजू देव। पति का नाम? घर? वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 8। ना घटी आपके साथ? देखिए वो लोग मतलब सवेरे से मतलब गाड़ी उड़ी दे रहा था, हम लोग चौर से माल जाल का गाड़ी काहे देता है, इसी पर ईटा उटा फेंकने लगा, उसके बाद डंडा चलाने लगा। कौन लोग हैं? कौन लोग? नकुल है, उर्फ हुलका भी कहता है, नरेश है, चंदन है, ऐसा सागर महतो दोनों का। किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ? हैं? किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ वो मनबरू है, आज 3-4 साल पहले भी वो मर्डर किया है। आप ही का परिजन का? हाँ, मतलब गोतिये में कर दिया था। कितने बजे की घटना है? 7 बजे। कितने की संख्या में थे वो लोग? वो लोग 15-20 आदमी, 10 आदमी के संख्या में जरूर ना अपन। किसी से मारा गया है? हाँ, किसी से मारा है आपको? हमको तो लाठी से मारा है। कितने लोग घायल हैं? 5-7 आदमी है।
ईटा चलाया है उस रोड पर। क्या नाम है आपका? रामचंद्र शर्मा। घर? मैदाबाद में। वार्ड नंबर 8। मारा आपको? हरा लदेश चंदन लकूर बुधोर बकूल सोबित। क्यों मारा आपको? बारा तेल जोर जरा उसको गाड़ी उड़ ली थी, आई रामचंद्र साहब धारने गया है, अब उस जगह गए क्या हुआ करके ऐसी बात है, धराधरी उसको लाठी चला दिया, हम पर ईटा चला दिया। कितना बजे का घटना है? 7 बजे। कितने की संख्या में था? करीब 20-25 आदमी था। कौन सी से मारा पीटा आपको? हमको तो ईटा चलाया, ईटा से मारा। क्या जमीनी विवाद था? जमीन विवाद जोर जलाल में हुआ था झट। क्या जोर जलाल लेकर हुआ, गर्म गति हुआ, वही समझाने गया रामचंद्र गाड़ी कुर्ता काहे करते हो, इसी पर वो लाठी उठी लेकर रामचंद्र चला दिया। कितना आदमी घायल हैं आप लोग? घायल तो 4-5 आदमी है, हमको गोड़ टूट लिया है। क्या तोड़ा मार के? हरा है दरेस रामचंद्र। क्या नाम है आपका? रणदीप महतो। घर? पैदा हुआ। वार्ड नंबर 8।